देखा, मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। ये बात इतनी छोटी नहीं है और इस बात को मैं इतनी आसानी से जाने भी नहीं दूंगी। तुम्हारी बीवी ने मुझ पर इल्जाम लगाया और अब फैसला होकर ही रहेगा। कैसा फैसला? या तो इस घर में तुम्हारी बीवी रहेगी या फिर मैं। अपनी दुनिया में सबसे प्यारी चीज को तुम्हें सौंप दिया। मैं तो समझती थी कि तुम मेरे एहसान मानोगी, लेकिन तुमने साफ बनकर मुझे ही डस लिया। अपने सारे गुनाहों का बोझ तुम मुझ पे डालना चाहती थी, शर्म नहीं आई तुम्हें? अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तैमूर, कहो इसे चली जाए यहां से। मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगी। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूंगी इस घर में रखूंगी और जिसे चाहूंगी इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना, तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। बस बहुत हो गया, मैं अब उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुख तो मुझे तुम पर है तैमूर, कि तुमने मेरे किरदार पर शक किया। मैंने ये फैसला मजबूरन किया, जबकि ये फैसला था तुम्हें लेना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। तुम ठीक हो ना फलक? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बजाय तो ठीक हूँ, लेकिन बहुत डिस्टर्ब हूँ। समझ नहीं आ रही कि हालात किस तरह जा रहे हैं। तुम्हारी भाभी से बात हुई? जी हुई थी मेरी बात उनसे। क्या कह रही थी? मुझे नहीं लगता कि वो अपना फैसला बदलने को तैयार है। मैंने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन वो मुझे माफ नहीं करेंगी। बोल रही थी कि जब सुहेल भाई आएंगे तो वो तैमूर, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको और इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा घर है, मैं जाऊंगी भी कहाँ? आप जब घर आएंगे ना, तो आप प्लीज जरूर भाभी से बात कीजिएगा। मुझे पता है वो आपकी कोई बात नहीं डालती। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आपके साथ रहूंगी ना। फर्क तुम फिक्र ना कर, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर के लिए होगा। लेकिन तैमूर, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएं। प्लीज सोनिया, समझने की कोशिश करो यार, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे मत रोको। सुहेल, अभी तो अम्मा को होश भी नहीं आया, जब तक अम्मा आंखें नहीं खोलेंगी ना, मुझे मुझे सुकून नहीं आएगा। अगर अम्मा ने आंखें ना
खोली तो कम ऑन सोनिया, खुदा के लिए यार क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे सामने मैंने डॉक्टर से बात की है कि खतरे वाली कोई बात नहीं है, खाला की जब नींद पूरी हो जाएगी उठ जाएंगे। जानती हूं ना कि मेरा जाना कितना जरूरी है, ना जाने किन सा फलक के साथ क्या सिट करे। तो करने दें, आपको क्यों फलक इतनी फिक्र हो रही है? आखिरकार फलक ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना जो किंजा आपी ने इतना बड़ा फैसला किया है, और किंजा आपी बहुत समझदार है और मैं उनके हर फैसले में उनके साथ हूँ। मुझे तुम्हारी सोच पर हैरत हो रही है सोनिया। फलक तुम्हारी बहन ना सही, कजन तो है, और जितना मैं उसको जान सका हूँ बहुत अच्छी है और दूसरों का एहसास करने वाली लड़की है। फिर यह कि वो मेरे छोटे भाई की बीवी है, उन दोनों से मेरा एक रिश्ता है, बहुत एहतराम करती है वो मेरा। और फिर यह कि मुझे अपने छोटे भाई के जज्बात का ख्याल भी तो रखना है। आपको सबके जज्बातों की फिक्र है, सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है। आपने ये सोचा जब आप चले जाएंगे मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा क्या? सोनिया यार, आप तो वहाँ ऐसे तन कर जा रहे हैं जैसे उस घर में आपकी बहुत चलती है। फलक तैमूर की बीवी है ना, वो उसकी फिक्र करे। आप मेरे शौहर हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र करें, और मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। आपके ख्वाबों में, आपके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ सोनिया होनी चाहिए और कोई नहीं। किसको फोन मिला रही हो तुम? तुम्हारी नसीन खाला तो अपनी बेटी समेत कहीं रूपोश हो गई हैं, घर छोड़कर फरार हो गई हैं वो। मुझे तो लगता है कि किसी के पैसे चुरा के भाग गई हैं। क्या मतलब है, अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगी वो? खैर कौन सा घर उनका था, कब्जा करके तो बैठी हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई है, महल्ले वालों को भी नहीं मालूम। ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई कि घर का सारा सामान छोड़कर ही फरार हो गई हो? बड़ी चक्करबाज औरतें हैं वैसे। एक मैं ही थी जो तुम लोगों के चक्कर ही नहीं समझ सकी।